अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि सहाबी अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आई वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ वेरी गुड डे, वेरी गुड परफॉर्मेंसेस बाय स्टूडेंट्स। And as you know, the theme was Know Your Lord. And some of the students performed. They gave talks. They made charts about Ayat al Kursi, right? Ayat al Kursi speaks about Allah Subhanahu wa Taala, right? And people, the students made charts, very beautiful charts. They even made charts about the creation of Allah, right? The sun, the moon, and so many. We have planets, stars, animals. Right, some beautiful charts. Then even many students learned the attributes of Allah, the names of Allah. So in this way, together we, made an effort to know Allah Subhanahu wa Taala. And as Muslims, the very important aspect of our lives is that we know Allah Subhanahu wa Taala. Right. So today I am going to speak mainly about the profession of Dawah. Right. And Dawah means not Dawat. Right. Dawah का मतलब दावत नहीं है। मैं उस दावत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दावा यानी अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने की उस दावे की बात कर रहा हूँ। Right. और ये जो दावत का काम है, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने का काम है, ये बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे कुरानिक वर्सेस है, बहुत सारे अहादीस है, जिससे हमें पता चलता है कि दावत का काम एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। राइट, अगर आप पढ़ेंगे सूरह फुस्सिलत, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में अल्लाह सेज हु इज़ बेटर इन स्पीच देन द वन हु कॉल्स टुवर्ड्स अल्लाह वर्क्स राइचियसनेस एंड सेज दैट ही इज़ अ मुस्लिम। अल्लाह ताला कहते हैं कि कौन है उस शख्स से बेहतर जो अल्लाह की राह की तरफ बुलाता है, नेक अमल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। यानी अल्लाह की नज़र में सब में बेहतरीन शख्स कौन है? दाई है। ओके, लोगों के नज़र में रहेगा इंजीनियर, डॉक्टर और जो भी प्रोफेशंस है वो भी अच्छे हैं, वो भी, लेकिन अल्लाह की नज़र में सब में बेहतरीन प्रोफेशन है दाई का प्रोफेशन, दावत का काम। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, यू आर द बेस्ट ऑफ नेशंस एवॉल्व फॉर मैनकाइंड। राइट, बिकॉज यू इनवाइट पीपल टुवर्ड्स राइचियसनेस। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुसलमानों में सब में बेहतरीन कौम है। क्यों? इसका ये नहीं कि हमारे पास पैसे ज़्यादा है या हम हैंडसम खूबसूरत दिखते हैं। राइट, क्योंकि अल्लाह ताला उस आयत का जवाब देते हैं कि हम अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, हम दावत का काम करते हैं, इसीलिए हम सब में बेहतरीन कौम है। राइट, सूरह आल इमरान में अगर आप पढ़ेंगे सूरह नंबर 3 आयत नंबर 104 में, लेट देयर अराइज आउट ऑफ यू अ बैंड ऑफ पीपल इनवाइटिंग पीपल टुवर्ड्स राइचियसनेस एंड फॉरबिडिंग व्हाट इज़ रॉन्ग। अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप में से एक गिरोह होना चाहिए जो अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, और यही फला पाने वालों में से है, यही सक्सेसफुल लोग हैं। यानी अल्लाह की नज़र में कौन सक्सेसफुल है? जो दावत का काम करते हैं, दीन का काम करते हैं। फिर सूरह नमल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में आता है, इन्वाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड विथ विजडम एंड ब्यूटिफुल प्रीचिंग and argue with them, reason with them in ways that are best and most gracious. अल्लाह ताला का हुक्म है कि बुलाओ सबको अल्लाह की राह की तरफ अच्छे अंदाज से और उनसे बहस करो बड़े ही अच्छे अंदाज से। राइट, तो यानी अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला हमको गाइड कर रहे हैं ये प्रोफेशन के बारे में। और कई आयतें हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो दावत का काम करते हैं, ये जो दाई है, राइट, एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर अ स्पेशल एबिलिटी और स्पेशल, यू हैव टू बिकम स्कॉलर्स। ठीक है, स्कॉलर्स होना, मौलाना या आलिम बनना बहुत ही अच्छी बात है, इट इज़ द बेस्ट, लेकिन दावत का काम ये हर शख्स की, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, जितना भी आपको आता है। अल्लाह ताला कहते हैं कन्वे फ्रॉम मी इवन इफ़ यू नो वन वर्स। अगर आप एक भी आयत जानते, आप जानते कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, तो वो दूसरों तक पहुँचाओ।
राइट, अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने एबिलिटी के हिसाब से, जैसे आपको अल्लाह ने टैलेंट दी है, एबिलिटी दी है, उस हिसाब में आपको जो है दीन के दावत का काम करना है। ये हमेशा अपने एट द बैक ऑफ द माइंड, और यू ऑलवेज कीप दिस थॉट दैट एनी वेज वॉट एवर आई नो परफेक्टली आई शुड कन्वे इट टू अदर्स, राइट। इफ यू डू दिस यू आर डूइंग द जॉब ऑफ द प्रोफेट्स, यानी नबियों का काम कर रहे हैं। सही बुखारी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 4, हदीस नंबर 667, अल्लाह के रसूल कहते हैं कन्वे फ्रॉम मी इवन इफ यू नो वन वर्स, यानी कितना इंपॉर्टेंट है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि एक आयत भी जानते, एक बात भी अल्लाह के बारे में जानते तो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करो, राइट। उसके बाद एक हदीस है सही बुखारी की, हदीस नंबर 2783, अल्लाह के रसूल कहते हैं बाय अल्लाह इफ अ सिंगल पर्सन इज गाइडेड थ्रू यू इट इज बेस्ट फॉर यू देन द रेड कैमल्स, यानी अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर तुम्हारे जरिए एक भी इंसान ईमान लाता है, तुम्हारे जरिए एक भी इंसान नेक अमल स्टार्ट करता है, तो वो आपके लिए रेड कैमल से बेहतर है। यानी उस जमाने में जो है रेड कैमल बहुत महंगे होते थे, यानी आज के जमाने में देखेंगे तो द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स, ओके, रोल्स रॉयस और व्हाटएवर, आई डोंट नो इवन द नेम्स ऑफ द कार्स, तो आपके लिए इतना बेहतर है, ओके। एक दूसरे हदीस में आता है सुनन अत-तिर्मिज़ी में, एक वार्निंग है, ये एक ही हदीस काफ़ी है दावत के काम के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए, एक हदीस काफ़ी है सर, आप ध्यान से सुनिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं सुनन अत-तिर्मिज़ी में बाय अल्लाह इन हूज हैंड इज़ माई सोल यू विल एन्जॉय गुड एंड प्रोहिबिट ईविल और एल्स अल्लाह विल सून सेंड अपॉन यू अ पनिशमेंट एंड then you will call upon him and he will not answer. Allah ke Rasul kehte hain ki by Allah, Allah ki qasam, jinke haathon mein meri jaan hai, aapko daawat ka kaam karna hai, aapko logon ko achhai ki taraf bulana hai aur burai se rokna hai, agar aap nahi karenge to bahut jald Allah aapke upar ek azab nazil karega aur fir aap Allah ko dua karoge, Allah aapki dua qabool nahi karega, theek hai। fir uske baad अल्लाह के रसूल कहते हैं whoever guides to a deed he will get the same reward। अगर आपने बोले एक आपके कॉलोनी में एक मुस्लिम बच्चा है नमाज नहीं पढ़ता है, तो आप उसको गाइड किए, आप उसको अच्छी तरीके से बताए नमाज पढ़ने के लिए, और वो पांच वक्त की नमाज पढ़ना स्टार्ट करता है, तो ज़िंदगी भर जितने नमाज पढ़ेगा वो पांच वक्त की जितना के मरने तक, आपको भी सवाब मिलेगा, उसको भी सवाब मिलेगा और आपको भी एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा, राइट। इतनी अच्छी बात है। तो अपने अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने अपने एबिलिटी के हिसाब से, ऐसा नहीं कि सब स्पीकर्स ही रहते हैं, सब स्कॉलर्स ही रहते हैं, राइट। कोई किताब लिख सकता है, कोई ऑथर बनता है, कोई स्पीकर है, कोई प्रोग्राम्स अरेंज करता है, राइट, कोई स्कूल एस्टैब्लिश करता है। हमारे स्कूल का मकसद भी क्या है, हम एक गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बने, अच्छे मुस्लिम बने और दीन की दावत को दूसरों तक पहुंचाए, दीन की अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाए। और मैंने आज देखा कि बच्चे बहुत ही शाय है, बहुत ही यू नो दे आर अफ्रेड, दे आर स्केर्ड, जो ये चीज़ इंशाल्लाह हम लोग दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबको आना है स्टेज पे, सबको बात करना है, सबको बिना कोई डर के, बिना झिझक के आपको बात करना है, क्योंकि मकसद ही वो है। हमारे स्कूल का मकसद है, इतने सारे इस्लामिक स्टडीज़ की बुक्स है, वो क्यों है, अगर आप पढ़ के आप अगर आपके मतलब घर पे हैं, आप किसी को बता भी नहीं रहे तो क्या क्या यूज़ है उसका। तो सबको आप अपने दिमाग में रखिए कि सबको बात करना है, सबको बताना है, यू शुड नॉट फील शाय एट ऑल, राइट। तो इंशाल्लाह ये स्कूल का एक मकसद, इंशाल्लाह अगले एक 6 महीने का टारगेट है कि एवरी स्टूडेंट शुड कम ऑन स्टेज एंड ही शुड स्पीक, बोलने के लिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए इंशाल्लाह, ओके। सो ये सब बातें हैं, और उससे पहले सब में दावती काम के लिए सब में पहला स्टेप है इल्म हासिल करो, राइट। वी हैव आलिम्स, राइट, वी हैव अदर टीचर्स, आप अच्छा इल्म हासिल करो, और ग्रेड 7 ऑनवर्ड्स एवरी स्टूडेंट शुड हैव हिज और हर पर्सनल ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, 7th to 9th, राइट, हर स्टूडेंट के पास अपना खुद का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कॉपी होना चाहिए, एंड ही शुड रिफर इन द स्कूल एट होम, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दावा,
right? And I pray to Allah that He makes us all good callers of His deen, good da'is, and may Allah accept these deeds from us, from the behalf of the teachers of this school, from the management of this school, jo itna effort kar rahe, Allah accept kare inshallah. और मैं अब दावत दूंगा शेख याया को. शेख याया आएंगे और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बयान करेंगे. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له व मन युضلل फला هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون معزز حاضرين प्यारे बच्चों داعي एक आदमी की ज़िंदगी में दावत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इल्म है. तो अभी आप लोग इल्म सीखने के मरहले में हैं और इल्म जब किसी के भी ज़िंदगी में आ जाता है तो उस की ज़िंदगी से जहालत ख़त्म हो जाती है, जहालत ख़त्म हो जाती है. तो इसलिए इल्म सीखना ये ज़रूरी है अपने लिए, अपने आसपास रहने वालों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी समाज के लिए. और इल्म कैसे सीखा जाएगा? इल्म के लिए अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान मजीद है और मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत है. ज़रूरी है इल्म. अगर इल्म नहीं है तो आप दाई कैसे बनेंगे? और दाई बनने से पहले पहले इल्म का सीखना बहुत ज़रूरी है. और जब इल्म किसी की भी ज़िंदगी में आता है तो सबसे पहले उसकी इस्लाह होती है, समझे कि नहीं? इल्म से क्या होती है? ख़ुद की इस्लाह होती है. समझ लीजिए, अगर तुम्हें अभी तक ये नहीं मालूम था कि हमें कुछ भी खाने पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, नहीं मालूम था तो जैसे चाहते थे वैसे खाते पीते थे. लेकिन जब हमें ये मालूम हो गया कि खाने पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह, तो पहले हमने ख़ुद से शुरू किया कि पहले दूसरों को बताया? ख़ुद से शुरू किया. तो इल्म की जो दाई की जो शुरुआत होती है वो ख़ुद से होती है. और ख़ुद किसी को दावत देने से पहले पहले ख़ुद इल्म सीखना और उस पर अमल करना ज़रूरी है, तब जा कर के हम दूसरों को बता सकते हैं. और अल्लाह तबारक व ताला ने भी इसका हुक्म दिया है. अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, कि पहले अपने आप को बेहतर करो, पहले अपने आप को जो भी इल्म सीखो प्रैक्टिकल लाइफ में पहले ख़ुद अमल करो, फिर दूसरों को बताओ. तो इसलिए सबसे पहला ज़रूरी है इल्म सीखना. अभी आप लोगों का जो मरहला है यह इल्म सीखने वाला मरहला है. अब इल्म जितना सीख लिए हो वो दूसरों को बताना ज़रूरी है. मसलन अब तुम्हें जैसे ये मालूम हो गया कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में जैसे 6, 7 और 8 के बच्चों को ये मालूम हो गया, सूरह बकरा की 1-5 आया का ट्रांसलेट मालूम हो गया. अब उसमें ये मालूम हो गया कि ये कुरान मुत्तकियों के लिए फ़ायदेमंद है. मुत्तकी कौन है ये भी अगर तुम्हें पता है तो फिर तुम बता सकते हो कि जो लोग हर एक को मुत्तकी समझते हैं वो असल में मुत्तकी है नहीं. मुत्तकी होने के लिए नमाज़ पढ़ना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, गैब पर ईमान रखना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इल्म हासिल करना.
तो अभी सब लोगों के इल्म सीखने का मरहला चल रहा है, अभी इल्म ही सीखना ज़रूरी है और जितना जितना इल्म आ जाए उसके हिसाब से अमल करना ज़रूरी है। दावत की जो शुरुआत होती है वो अपने नफ्स से होती है, ऐसा नहीं कि और वो दावत असर भी नहीं करती है कि अगर हम ख़ुद कुछ ना करें दूसरों को कहें। मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई आप सब नमाज़ पढ़ो और मैं ख़ुद ना पढ़ूँ तो ये असर नहीं करेगी नमाज़। बाप खुद सिगरेट पिए बोले बेटा तू कभी मत पीना ये नुकसानदेह है तो वो ज़रूर पिएगा, कहेगा ये ख़ुद पी रहा है तो हम भी पियेंगे, अच्छी बात होगी। तो इसलिए पहली चीज़ इल्म सीखना ज़रूरी है और इल्म सीखने के लिए कुरान मजीद जैसी अज़ीम किताब का पढ़ना सीखना समझना ज़रूरी है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ज़रूरी है। जब ये सब चीज़ें हम जानेंगे यानी कुरान का इल्म होगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म होगा, तब जा कर के हम समझ सकेंगे कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमसे बेहतर है कि नहीं बेहतर है। जैसे मान लो ईसा अलैहि सलाम जो नबी थे वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थे ना कि बाद में थे? पहले थे ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहि सलाम के नबी बनाए जाने के कई सौ साल बाद नबी हुए, नबी हो गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी क्रिसमस मनाया? नहीं मनाया। जबकि ईसा अलैहि सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीनी भाई हैं। हमारे नबी फरमाते हैं कि जितने प्रॉफिट्स हैं वो सब भाई भाई हैं, तो हमारे नबी को भाई हुए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनका ऐसा कोई त्यौहार मनाया नहीं। तो जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे, जब हमें ये पता रहेगा कि आपने कुछ नहीं किया, उनके भी दौर में ये महीना आता था, ये वक्त आता था, तो हमें इस महीने में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जब कुरान पढ़ेंगे तो कुरान से ये पता चलेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये अल्लाह के बंदे हैं। क्या हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या हैं? अल्लाह के बंदे हैं फिर रसूल हैं। ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं फिर रसूल हैं। अब उनको कुछ लोग क्या मान रहे हैं, कहते हैं वो अल्लाह के बेटे हैं और 1/3 हिस्सा में उनकी हुकूमत चलती है, यानी दुनिया को 3 लोग चला रहे हैं, अल्लाह ताला, ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम, ये तीनों लोग चलाते हैं मिलकर के। तो क्या ये चीज़ें सही हैं? नहीं सही हैं। कैसे मालूम चला नहीं सही हैं? इसलिए कि कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में क्या लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं फिर अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाया, ठीक है ना। तो ये जब हम कुरान पढ़ेंगे तो उसके ज़रिए से सारी चीज़ें मालूम चलेंगी कि क्या चीज़ सही है क्या गलत। अभी जो होता है क्रिसमस में जो लोग एक दूसरे को विश करते हैं और ना जाने क्या क्या मैसेज भेजते हैं, ये सब चीज़ें भी सही नहीं हैं, समझ में आई बात। उसका इस्लाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए ये किसी को पता नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए, उनको अल्लाह ने कब नबी बनाया, ये कहीं कुरान में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया? नहीं बताया। सिर्फ इतना मालूम कि वो नबी थे, उनको अल्लाह ने पैदा किया, बस। तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं कुरान से तो हमें ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, गलत होती हैं। और ये सब पढ़ने से क्या होता है? इल्म आता है। इल्म आता है तो जहालत क्या होती है? ख़त्म होती है। फिर हर कोई जो करता है वो हम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग अभी देखो कल क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे और क्या क्या लिख के भेजते हैं। लेकिन जो कुरान पढ़ेगा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेगा, वो ये काम नहीं करेगा। इसलिए कि वो उसको पता है कि ये चीज़ें हमारे उसमें सही नहीं हैं। उस जैसा लिबास पहनना, किसी को मैसेज भेजना, कुछ और कुछ करना, ये सारे काम क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो दाई के लिए ज़रूरी है कि इल्म हासिल करना और इल्म सीखने पर पहले ख़ुद को अमल करना, फिर दूसरों को हम बताते हैं। यही तरीक़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी बना दिए गए तो पहले ख़ुद करते थे फिर सहाबा को बताते थे।
फिर ऐसे वन बाई वन एक दूसरे के ज़रिए से सारी चीज़ें हुई, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इल्म सीखो, और जितना इल्म मालूम हो जाए उतना ख़ुद पर अमल करो, और वही चीज़ें दूसरों को बताना है। समझ में आई बात? अगर बग़ैर इल्म के मैदान में आ जाओगे, बग़ैर इल्म के लोगों को समझाने सिखाने लगोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इल्म सीखने का हुक्म दिया है। क्या हुक्म दिया है? इल्म सीखो, ज़रूरी है। जैसे नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, वैसे इल्म सीखना ज़रूरी है। और ये स्कूल में इसीलिए दीनियात जो सब्जेक्ट है इस पर इतना कोशिश की जा रही है, इतनी मेहनत की जा रही है, इसीलिए किया जा रहा है कि दूसरे जगहों पर सिर्फ एजुकेशन है, इंग्लिश और मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यही सब रहता है, लेकिन यहाँ दीनियात इसलिए ऐड किया जाता है कि दीन दुनिया दोनों का इल्म हो। समझ में आई बात? और जो चीज़ें यहाँ सीखते हो उसका घर पे बताना और प्रैक्टिकल लाइफ में करना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा घर वालों को या तुम्हारे रिश्तेदारों को कि तुम क्या सीख रहे हो, तुमको क्या समझ में आया। समझ में कि नहीं? अगर तुम्हारी भी ज़िंदगी वैसे ही है जैसे एक दूसरे बच्चों की है तो कोई फ़र्क नहीं है, कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़ने वाले या दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले और यहाँ के स्कूल के पढ़ने वाले के बच्चों में कोई फ़र्क होगा? होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपको ज़रा सा अलग रहना पड़ेगा। जो इल्म मालूम हो जाए, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हत्ता युहिब्ब ली अखीहि मा युहिब्ब ली नफ्सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में मोमिन वही है जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए पसंद करे। अब अगर ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है तो समझ लो कि हम प्रैक्टिकल में मोमिन नहीं हैं। हम अपने लिए कुछ पसंद कर रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ और पसंद कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? तो अगर ऐसा रहेगा तो हम सही मानों में समझ लो कि हम मुसलमान नहीं हैं। हाँ, इसलिए कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें आनी चाहिए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं या क़ुरान में है। इसलिए हम पर ज़रूरी है कि हम जितनी चीज़ें हमें मालूम हो पहले हम ख़ुद अमल करें, फिर दूसरों को सिखाएं। और इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है, इल्म सीखना ज़रूरी है। इसलिए जो है इल्म सीखने की जो सारी तरतीब यहाँ बनाई गई है कि तो आप अबाउट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानिए, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़िए, अबाउट कुरान जानिए, कुरान मजीद को ट्रांसलेट विद ट्रांसलेट पढ़िए, ये सारी चीज़ें जो तरतीब की जाती हैं वो इसीलिए की जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, ऐसे ही और बहुत सारी, जैसे आज का ये प्रोग्राम है, ये भी इल्म सीखने का एक बड़ा ज़रिया है। अगली बार भी कुछ और अच्छा रहेगा, उसमें क्वेश्चन आंसर के भी कुछ प्रोग्राम मेरे ख्याल से सेट किए जाएंगे, तो जो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए हम पर ज़रूरी है कि हम दो तीन चीज़ें ज़रूरी करें। पहली चीज़ इल्म सीखें, दूसरी चीज़ जितना सीख लें पहले ख़ुद अमल करें फिर दूसरों को सिखाने की कोशिश करें, और तीसरा जो चीज़ समझ में ना आए या इल्म सीखने की कोशिश जारी रखें, तब जा कर के फ़ायदा होगा। हाँ, इसलिए जो है हम पर ज़रूरी है कि हम जो है मेहनत करें, कोशिश करें, यही सीखने का अभी सही वक्त है। अगर ये वक्त निकल गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, आगे जा कर के कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को इल्म सीखने की तौफीक अता फ़रमाए, इल्म सीखने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, अमल के बाद दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته my name is amina i am in grade 9 my topic is the four heavenly books there are four books in islam which were revealed on different eras on different prophet the torah was revealed on prophet musa alayhi salam the zabur was revealed on prophet daud alayhi salam the injil was revealed on prophet isa alayhi salam the quran was revealed on prophet muhammad sallallahu alayhi wasallam as muslims we believe that allah almighty sent divine holy books on various prophets for the guidance of mankind allah subhanahu wa taala bestowed the holy book of islam on his messenger to spread Allah's message throughout the world the majority of Allah's revelation have been lost or changed in some way therefore the only book that can be relied until the day of judgment is Quran
द तौरात दिस इज़ द रिविलेशन ऑफ अलमाइटी अल्लाह दैट हैज़ सेंड डाउन टू प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम द तौरात इज़ अ होली बुक दैट रिफर्स टू द वर्ड लॉ इन द कुरान पर्टिकुलरली द लॉ ऑफ मोसेस द तौरात इज़ फ्रीक्वेंटली एसोशिएटेड विद द तौरा ऑफ जूश फेथ और द ओल्ड टेस्टमेंट ऑफ द क्रिश्चियन फेथ अनफॉर्चुनेटली द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ दिस होली बुक हैज़ बीन लॉस्ट द जबूर द होली बुक विच वॉज रिवील्ड टू प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम इज़ नोन एज जबूर दिस रिविलेशन केम टू दाऊद अलैहिस्सलाम इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स और चैंट्स Hence, Zabur is the Arabic word that means songs. This holy book, original text like Torah, is no longer with us. Allah says in the Holy Quran, we gave Zabur to Dawood. The Injil is Allah Almighty's holy book, which He revealed on Prophet Isa alayhi salam. The word Injil means the gospel or gospel book. As they did with Torah, many people make mistake. Injil is the New Testament of Bible. That is not the case. However, the original text of Injil has, like many other books, is lost. As a result, Muslims are prohibited from reading the altered books of Allah subhanahu wa ta'ala. The message of the Injil is preserved in the Quran. Ar-Rahman, the most of entirely merciful. Ar-Rahim, the best over of mercy. Al-Malik, the king and owner of dominant. Al-Quddus, the absolutely pure. As-Salam, the perfection and giver of peace. Al-Wahhab, the giver for gifts. Al-Razzaq, the provider. Al-Fatha, the opener, the judge. Al-Alim, the all-knowing. Al-Qabid, the withholder. Al-Haq, the absolutely truth. Al-Wakil, the trustee, the disposer of affairs. The Al-Qawi, the all-strong. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sara Inamda and today I'll be talking about the scientific miracles in the Quran. 14 centuries ago, God sent down the Quran to the mankind as a book of guidance. He called upon the people to be guided to the truth by adhering this book. From the day of the revelation to the day of judgment, this last divine book will remain the sole guidance for humankind. The matchless style of the Quran and the superior wisdom in it are definite evidence that this is the book from God. In addition, the Quran has many miraculous attributes proving that it is the revelation from God. One of these attributes is the fact that the scientific truths that we have only been able to uncover by technology of the 20th century were stated in the Quran 1400 years ago. Indeed, Quran, which was revealed 14 centuries ago, mentioned scientific facts recently discovered. These are just some facts of the many scientific facts found in the Quran. Water. In Surah Al-Anbiya, it was revealed, we made every living thing from water. Will they not believe? And it was only after the discovery of the microscope that it was concluded that all the living things are mostly consist of water. Iron within meteorites. In Surah Al-Hadid, it is written that we send down iron with the great inherent strength and it is benefited and with its many benefits for humankind. According to M.E. Walrath, iron is not natural on the earth. Scientists state that millions of years ago, the earth was struck by meteorites. It was within these meteorites that iron was present, and due to the explosion on earth, we now have iron and due to the explosion available on earth. Meeting of the seas. In Surah Ar-Rahman, it states that He released the two seas meeting side by side. Between them it is a barrier, so neither of them transgresses. Science has discovered that the places where the two seas meet, there is a place where two different seas meet, is a barrier that divides them, which helps both the seas to maintain their own salinity, temperature, and density. Who is Allah? He is Allah. There is no God but He. He is the knower of all secrets and declarations.
He is the compassionate and the most merciful. He is Allah. Besides Him, there is no God. He is the Savior, the Holy, the Peace Giver, the Faith Giver, the Overseer, the Almighty. He is Allah, the Creator, the Maker, the Designer. He has the most beautiful names. Whatever is in the heavens and the earth glorifies Him. He is the Majestic and the Wise. My topic is creation of Allah. Mountain. The Holy Quran speaks of the mountain and explains the term used to describe of the role of. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب